गोलपाड़ा बालाजी हनुमान सेवा समिति प्रतिदिन मंदिर स्तर पर जलाएगी लोकसभा के एक सांसद का पुतला। यह बात पत्रकार वार्ता के दौरान बालाजी हनुमान मंदिर के सेवक जगवीर दास ने कही। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, जैसे भारत की संसद में बैठे 99% से अधिक सांसद प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक अंगों से पैदा हुए हैं, उसी तरह हमारे बच्चे और नाती पोतों का पैदा होना सुनिश्चित हो। भारत की नारी शक्ति को बचाना है, शारीरिक रूप से कमजोर होने से और लगाम लगानी है। जब बच्चे पैदा होने से रोकने के लिए वैज्ञानिक ने कई दवाइयां कई तरीके खोज लिए हैं, तो पूर्व की तरह प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक अंगों से बच्चे पैदा हों, उसके लिए कोई उपाय क्यों नहीं खोजा जा सकता। भारत के संसद में इस मुद्दे को पहुंचाने के लिए क्यों ना जिन सांसदों को ज्ञापन सौंपा है उनके प्रतिदिन एक सांसद का पुतला जलाया जाए। इसमें लगभग 540 दिन लगेंगे, तब तक किसी न किसी पार्टी का कोई न कोई सांसद इस सार्थक मुद्दे को उठाने को तैयार हो जाएगा और हम देश की महिला शक्ति को कमजोर होने से बचाने में सफल होने की कल्पना कर सकते हैं। अतः शनिवार 19 जून से प्रतिदिन एक सांसद का पुतला भक्तों द्वारा मंदिर के गेट पर जलाया जाएगा। आपको बता दें कि संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर में 14 महीने से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हवन यज्ञ किया जा रहा है। कई मुद्दे चलते हुए इस मंदिर के 5 स्थायी मुद्दे हैं जो समय समय पर चलते रहे हैं। आज हम एक ही मुद्दे पर बात करेंगे। इस मुद्दे को उठाते समय सबसे पहले मैं अपने सामने बैठे हर व्यक्ति से, हर शख्स से प्रश्न करता हूं और इसी प्रश्न को मैं चाहता हूं कि संसद में कोई सांसद उठाए और बताया सांसद उसका जवाब दें, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। मेरा कहना है, जितने लोग बैठे हुए हैं पेट फाड़ के अपने मां के गर्भ से अप्राकृत रूप से कौन पैदा हुआ है, फिर अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे, हमारे नाती किस तरह से पैदा हो रहे हैं। तो ये जवाब मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि इसका अनुभव मैंने किया है और आप लोग भी अनुभव करें और कर रहे होंगे कि हम लोगों के बच्चे, हम लोगों के नाती सीजर, अधिकांश सीजर डिलीवरी से पैदा हो रहे हैं। तो जब 6 महीने में सारे ज्ञापन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शायद 1-2 साल में इन सांसदों को चेतना आ जाए और ये अपने वैज्ञानिकों से कहें कि जिस तरह हमने अपने बच्चे बंद करवाने के लिए मालाडी बनवा दी, नसबंदी करवा दी, जाने कौन कौन से साधन वैज्ञानिकों से पैदा करा दिए, उसी तरह वैज्ञानिकों से कहे कि हम प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित करा सके। ये सभी सांसदों से हमारा आग्रह करने के लिए हम कर ही चुके हैं और ये पुतला शनिवार से एक पुतला प्रतिदिन जलाया जाएगा। मंगलवार, शनिवार को और शाम को 6 से 7 बजे के बीच में। क्या मुद्दे हैं आपको जो पुतला देखने आप कब तक करेंगे और क्या है, किस कारणवश आप जो पुतला देखना चाहते हैं? पुतला दहन प्रतिदिन होगा क्योंकि हम 3 माह पूर्व भारत की संसद के मौजूदा सभी 543 में से 537 सांसदों को कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन दे चुके हैं। हमारा मुद्दा है, हम मंदिर के सेवक हैं, कोई नेता तो है नहीं। हमारा उद्देश्य है सबकी भलाई, ईश्वर से प्रार्थना करके। उसी के तहत ये मुद्दा है कि भारत की नारी शक्ति को शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर किया जा रहा है कि वो कोई भी बीमारी सहने की स्थिति में 40 साल के बाद नहीं रहेगी। वर्तमान सीजन में भी जब उसके टांकों में जब पसीना आता है तब उसकी क्या स्थिति होती है। भारत की नारी को अप्राकृतिक रूप से शल्य प्रसव द्वारा, सीजर डिलीवरी द्वारा पेट फाड़कर जो प्रसव कराए जा रहे हैं उससे भारत की नारी शक्ति कमज़ोर हो रही है, नंबर एक। नंबर दो, यह अघोषित नसबंदी है क्योंकि जब नारी शक्ति का, महिला का पेट 2-3 बार फट जाएगा तो वह तीसरे और चौथे बच्चे के बारे में सोचेगी ही नहीं, तो यह अघोषित नसबंदी है। मेरा कहना है कि जब विज्ञान मंगल तक पानी खोज रहा है,
विज्ञान 5G की बात कर रहा है। विज्ञान ने प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले बच्चे नसबंदी के द्वारा, मालाडी द्वारा, अन्य अन्य संसाधनों के द्वारा बंद कर दिए। विज्ञान ने जब टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर दी, फिर भैया पेट फाड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या विज्ञान कमज़ोर हो गया क्या? यह प्रश्न मेरा ग्वालियर शहर से प्रारंभ हुआ, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से, विधायकों से, सांसद से, मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्री से और सभी देश के सांसदों से, लेकिन किसी ने इस विषय को तवज्जो नहीं दी। अब जिस तरह यहाँ अनिश्चितकालीन निरंतर हवन यज्ञ चल रहा है अयोध्या के लिए प्रतिदिन, उसी तरह यहाँ भारत के प्रत्येक सांसद का प्रत्येक दिन एक पुतला बिना भेदभाव के, बिना दलीय भेदभाव के जलाया जाएगा। कोई भी दल, पक्ष का या विपक्ष का, इस मुद्दे को सार्थक मानकर संसद में उठाने की बात कहता है तभी उस दल के पुतले जलाना बंद होंगे। बाकी ये पुतले एक दिन की बात नहीं है, जितने दिवस हैं 537 दिवस पुतले जलने वाले हैं। क्योंकि 6 महीने में जब कोई नहीं जागा, शायद 537 दिन में उनको भारत की महिला शक्ति के बारे में सोचने को बुद्धि आ जाए। मैं भारत की सभी महिला सांसदों से भी प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस मेरी मांग को, इस मेरे विषय को गंभीरता से लें और एकजुट होकर भारत की महिला शक्ति को बचाएं। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।